जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल पर। पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और भारत देश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान जिस दिन मिलकर 75 करोड़ हो जाएंगे तो उस दिन प्रधानमंत्री भी एक मुसलमान होगा। जी हाँ, ये शब्द हैं सोहेब जमाई के, उन्होंने खुद ये बातें अपने मुंह से कही हैं। आखिर कौन है ये सोहेब जमाई? तो दर्शकों, आपको बता दें कि सोहेब जमाई एक प्रोफेसर है, जामिया मिलिया नाम की यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते हैं। अब दर्शकों, ये बात तो आप ही सोचिए, जब किन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर ही ऐसी बातें करेगा तो उनके बच्चों पर ऐसी बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। और इतना ही नहीं, लाखों जनता जिन बाबा को, धीरेन्द्र शास्त्री को, जिसे हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, यदि उन पर भी कोई ऐसा व्यंग करे तो क्या वो लाखों लोग चुप बैठे रहेंगे? जी हाँ, सोहेब जमाई ने उन पर भी एक ऐसा व्यंग करा है। सोहेब जमाई ने बागेश्वर धाम सरकार को सीधा सीधा टारगेट करते हुए ये कहा कि 2024 के बाद ऐसे बाबा लंगोट लेकर भागते हुए नजर आएंगे। अब आप भी सोचिए, ये कोई छोटा मोटा व्यंग नहीं है। अब आप भी सोचिए, जो इंसान इतनी गणना लगाए हुए बैठा है कि 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान से, 25 करोड़ बांग्लादेश से और 25 करोड़ तो भारत में है ही, जब ये 75 करोड़ हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री भी एक मुसलमान होगा, जब वो इंसान इतनी गणना करके बैठा है तो महज है कि वो व्यंग भी कर सकता है। हालांकि सोहेब जमाई पहला इंसान नहीं है जो ऐसी बातों का व्यंग करता है, कई व्यंग करते हैं, लेकिन सोहेब जमाई ने ये बात खुलकर सामने, सबके सामने ये बातें कही हैं। कितनी बदतमीजी से पेश आए थे सोहेब जमाई जब एक डिबेट में वो गए हुए थे। जी हाँ, वहाँ वो डिबेट थी हाल ही में नई मूवी जो रिलीज होने वाली है 72 हूरे पर। उन्होंने एक फीमेल, वहाँ पर जो होस्ट थी फीमेल, उनके बारे में भी अपमानजनक शब्द कहे, बड़ी बदतमीजी से उनके साथ पेश आए। उन्होंने इतना तक कहा कि उनकी शादी हराम है और इससे ज़्यादा भी उनकी जो औलाद है वो भी हराम है। ये सब शब्द कहे सोहेब जमाई। बाद में सुबूही खान, जी हाँ, उस महिला का नाम था सुबूही खान, उन्होंने इस बात का जवाब बड़ी हिम्मत से दिया, यहाँ तक कि सोहेब जमाई की उन्होंने पिटाई तक भी करी। सोहेब जमाई ने समझा होगा कि वो भी और मुसलमानों औरत की तरह होंगी, जो केवल बुरके में रहती हैं और ना ही कुछ किसी के सामने कुछ बोल पाती हैं, लेकिन उनका ये मानना गलत था। जब उस महिला ने, सुबूई ने इस बात का जवाब दिया तो ये बात बिल्कुल ही गलत साबित हो गई। हिंदू लोगों को ये तक नहीं पता कि उनके पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदू लोग तो ये समझते हैं कि मुसलमान भी उनके भाई हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मुसलमान, कुछ मुसलमान होंगे अच्छे, लेकिन मुसलमान ये बात नहीं सोच पाते। अब आप भी देख लीजिए कितना बड़ा व्यंग है ये हिंदू के लोगों पर, भारत के ऊपर, ये कोई छोटा मोटा व्यंग नहीं है। इसलिए भारत के लोगों को संभल जाना चाहिए, ये तो सिर्फ व्यंग करा है, क्या पता कल इससे भी बड़ा कुछ और हो सकता है। आप खुद ही देख लीजिए कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा व्यंग कर दिया और अभी तक उस पर कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई। बहुत से लोगों ने सोहेब जमाई पर FIR भी दर्ज करवा रखी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई चालू नहीं करवाई। अब आप एक बार सोच कर देखिए कि जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं, जिस यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं, वो बच्चे क्या सोचते होंगे, उनके क्या कैसे विचार होंगे। लेकिन अब हिंदू लोगों के लिए संभलने का वक्त आ गया है। आपसे यही गुजारिश है कि ऐसी बातों को उभरने ना दिया जाए। इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों को सतर्क करें। आज की इस खबर में इतना ही, ऐसी ही खबर के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।